भावना से अगर आप इसको करोगे ये बहुत इफेक्टेबल हो सकता है। जिनके विवाह में समस्या आ रही हो उनको विवाह की समस्या को दूर करने के लिए, लड़का हो या अथवा लड़की, बेटा हो या बेटी, उस समस्या को दूर करने के लिए बेला का फूल लेना चाहिए और बेले का फूल लेकर 108 बेले के फूल लो और 108 बेले के फूल लेकर भगवान के 108 नामों से उनका अर्चन करो। अब 108 नाम आपको नहीं मिलेंगे, आप कैसे याद करोगे? आजकल के बच्चों को तो 8 नाम याद नहीं, 108 तो बहुत लंबी चीज है। तो सोमवार के दिन जब आप मंदिर में जाते हो तो पंडित जी को बैठा लो कि महाराज सिर्फ शिव अभिषेक और शिव अर्चन करा दीजिए, 108 पुष्प हमारे चढ़वा दीजिए। वो भी संभव ना हो तो और सूक्ष्म रास्ता में आपको बता देता हूं, 108 बार आप वो पुष्प चढ़ाने से पहले लड़कियां ओम शब्द का इस्तेमाल न करें। जितनी भी बेटियां हैं, बहनें हैं, वो क्या बोलेंगी? शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः। हम लोग क्या करते हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मंत्र जापते, उसका प्रभाव नहीं। ओम किसको जपना चाहिए? शिव पुराण में पूरा प्रमाण है। आजकल कोई भी शिव मंत्र देते समय ओम नमो शिवाय, नमः शिवाय बुलवा देते। यज्ञोपवीत जिसका नहीं हुआ उन पुरुषों को भी ओम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ध्यान रखें। पुरुषों को जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ वो ओम नमः शिवाय मत बोलिए। क्या बोले फिर? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। देवियां शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः। इसका भी उतना ही फल है जितना ओम नमः शिवाय बोलने का फल है। इसको कहीं गलत ना समझ लें कि कहीं ओम वाले ज्यादा ले जाएंगे, वो एक नियम है। आप जैसे नहीं मिलिट्री में जाओगे तो ड्रेस पहननी ही पड़ेगी, वो एक नियम है। तो आप लोग शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः ऐसे 108 बार आप बोलें और वो बेला का पुष्प आप चढ़ा दें। जब बेले का पुष्प 108 बार, और ये कम से कम 11 सोमवार करें। वैसे तो अगर आज कर रहे हैं तो 11 सोमवार के बराबर ही आज में किसके एक ही सोमवार में फल होगा, क्योंकि श्रावण का सोमवार है। लेकिन अगर आज आपसे मिस हो जाए, कई लोग सोच रहे होंगे महाराज अब हम तो आ गए यहां, अब बेला के फूल मिलेंगे कहां, अब जहां मिले वो देख लो, नहीं तो आज नहीं तो बाकी के आप इस्तेमाल कर सकते हैं।